एक समय की बात थी, महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राज में आए और कुंती भोज ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। हे महर्षि दुर्वासा, आप हमारे राज्य में पधारे हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। हम धन्य हुए, ये है हमारी पुत्री कुंती। कुंती भोज, आपकी विजय हो। आपके राज्य में हमारा यज्ञ चल रहा है, इसीलिए कुछ समय तक हम आपके राज्य में विश्राम करेंगे। आपके राज्य परिवार से कोई सेवा के लिए उपस्थित हो। ये सुनने के पश्चात कुंती भोज व्याकुल हो उठे। वो ये सोचने लगे कि महर्षि की सेवा में ऐसा कौन है जो उपस्थित रह सकता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोध स्वभाव के हैं। इसी परेशानी में थे कि उनकी पुत्री कुंती ने कहा, हे पिताश्री, ऋषि दुर्वासा पहली बार हमारे राज्य आए हैं और हम उनकी सेवा करने के इच्छुक हैं। कुंती के इन शब्दों से कुंती भोज चिंतित तो जरूर हुए, पर साथ ही कुंती के इस निर्णय से वो खुश भी हुए। पुत्री, आगे चलकर तुम्हें ही इस राज्य को संभालना होगा। अच्छा होगा तुम्हारी प्रथम परीक्षा ऋषि दुर्वासा से ही शुरू हो। दुर्वासा ऋषि ने इसकी आज्ञा तो दे दी। तत्पश्चात कुंती ने दुर्वासा ऋषि के रहने की सारी व्यवस्था कर दी। जब तक दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के राज्य में थे, राजकुमारी कुंती ने बड़े ही प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। इससे दुर्वासा ऋषि भी बड़े ही प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि राजकुमारी कुंती को अपनी पुत्री समान प्रेम करने लग गए। उसके पश्चात एक दिन दुर्वासा ऋषि ने राजकुमारी कुंती को एक रहस्य की बात बताई। तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए कुंती, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। महर्षि, आपका आगमन ही हमारे लिए सौभाग्य है। हमारी सेवा से आप प्रसन्न हुए, इससे मैं धन्य हुई। आप मेरे उज्जवल भविष्य के लिए जो भी देंगे, मैं वो मन पूर्वक स्वीकार करूंगी। कुंती, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके उच्चारण से कोई भी देवता तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, परंतु बिना उद्देश्य के मंत्र उच्चारण से उस देवता से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये सुनने के पश्चात कुंती बड़ी ही प्रसन्न हुई, पर उसके मन में ये संदेह था कि क्या वाकई में दुर्वासा ऋषि के मंत्र में इतनी शक्ति है। कुंती ने बड़े आदर से उस मंत्र को सुना जो महर्षि दुर्वासा ने कुंती के कानों में कहा। धन्यवाद महर्षि। सदैव कल्याण हो। तत्पश्चात अपना कार्य समाप्त होने पर दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के राज्य से चल दिए। एक समय की बात है, जब कुंती सुबह के समय सूर्य भगवान की ओर देख रही थी, उसके मन में एक विचार आया। उसने उस मंत्र का प्रयोग सूर्य भगवान पर किया। दुर्वासा ऋषि ने बड़ी विचित्र बात कही। मंत्र का उच्चारण करो जिससे देव प्रसन्न होकर तुम्हें संतान का वरदान देंगे। कुंती ने बड़े ध्यान से ऋषि दुर्वासा के मंत्र का उच्चारण किया और सूर्य देव का आवाहन किया। ऋषि दुर्वासा के मंत्र का उल्लंघन करना, मेरी तो क्या किसी और देवता में भी इतना साहस नहीं। हे सूर्यदेव, मैं देखना चाहती थी कि ऋषि दुर्वासा का मंत्र वास्तव में कार्य करता है या नहीं। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह सत्य हो सकता है। मुझे क्षमा करके कृपया आप चले जाएं। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के पश्चात मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। अब जो भूल हुई है उसे बदला नहीं जा सकता कुंती। तुमने मंत्र का उच्चारण किया है, अब इसका फल तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर सूर्य भगवान ने कुंती को एक पुत्र वरदान के रूप में प्रदान किया। मेरे इस पुत्र को मैं कवच और कुंडल वरदान के रूप में हमेशा के लिए प्रदान करता हूँ। जब तक ये कवच और कुंडल इसके समीप है, कोई भी अस्त्र शस्त्र इसे परास्त नहीं कर सकता। ये इस सृष्टि का महावीर कहलाएगा। इतना कहकर सूर्यदेव विलुप्त हो गए। कुंती गर्भवती हो गई। बिना शादी के मां बनना एक राजकुमारी के लिए कोई साधारण बात नहीं थी, इसलिए राजकुमारी कुंती ने अपने साथ घटे इस रहस्य को किसी को ना बताने का निश्चय किया और ये बात अपने तक ही सीमित रखी।
कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सूर्य देव ने कहा। तुम बहुत ही प्यारे हो पुत्र, किंतु मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारा त्याग करना ही होगा पुत्र। बच्चे को एक छोटे से बक्से में डालकर कुंती ने उसे पानी में बहा दिया। जिस तरफ पानी का बहाव था वो बक्सा भी उसी दिशा में बहता चला गया। अधिरथ, जो हस्तिनापुर के अश्वसेना के सारथी थे, नदी की दूसरी ओर घोड़ों को पानी पिला रहे थे। नदी की दूसरी ओर से आने वाले उस बक्से पर अधिरथ का ध्यान गया। अधिरथ ने बक्से को अपनी ओर खींचा और बच्चे को समीप लिया। उस मासूम नन्हे बच्चे को देखकर अधिरथ आश्चर्यचकित रह गया। उस नन्हे बच्चे को अधिरथ अपनी पत्नी के पास ले गया। जरा देखो तो भाग्यवान, मैं क्या लाया हूं। ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, लगता है परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं चाहती हूँ कि हम ही इस बच्चे का पालन पोषण करें। तुमने सही कहा भाग्यवान, शायद यही वो प्रसाद परमेश्वर हमारी झोली में डालना चाहता था। इसे कवच और कुंडल के साथ जब देखता हूँ तो इसमें मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं। इस नन्हे बच्चे को गोद लेकर अधिरथ और राधा ने इस बच्चे का नाम करण रखा और प्यार से उसे राधे बुलाने लगे। जी, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। पुत्र, तुम एक सूत पुत्र के बेटे हो, कौन है जो तुम्हें धनुर्विद्या सिखाएगा? पिताजी, मुझे तीरंदाजी सीखना है, मैं अपना गुरु को ढूंढ लूंगा। बेटा कर्ण, तुम्हारी जिद के सामने हम हार गए, पर स्मरण रहे कि तुम्हारे माता पिता को हमेशा तुम्हारा इंतजार रहेगा। स्मरण रखूंगा पिताजी। सर्वप्रथम कर्ण ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य को ये ज्ञात था कि कर्ण में एक महावीर बनने के सारे लक्षण थे। तुम किसके पुत्र हो और तुम्हें क्या चाहिए? आचार्य, मैं सूत पुत्र अधिराध का पुत्र हूँ, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कर्ण के मुंह से निकले शब्दों ने द्रोणाचार्य को अचंभित कर दिया। प्रिय पुत्र, तुमने जिस कुल में जन्म लिया है उसके कुछ नियम हैं जो तुम्हें पालन करने होंगे, और वैसे भी मैं तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दे सकता। आचार्य, मेरे कुल जो भी हो, मुझे संसार में धनुर्विद्या सीखने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपा करके आप मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कीजिए। आचार्य, मैं पूरे मनोयोग से सीखूंगा। पुत्र, मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों का ज्येष्ठ गुरु हूँ, तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आपसे अनुरोध है, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। ये सुनने के पश्चात द्रोणाचार्य कर्ण पर क्रोधित हो उठे। बालक, ये तुम्हारा गुरुकुल नहीं है, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। आचार्य के क्रोध से डर कर कर्ण ने वहाँ से प्रस्थान किया।
चलते चलते संजोगवश उन्हें रास्ते में ऋषि परशुराम मिले। कर्ण ने निश्चय किया कि वो परशुराम जी को अपना गुरु बनाएंगे। तुम कौन हो वत्स और मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? मेरा नाम कर्ण है और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ महर्षि। मैं क्षत्रियों को धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता वत्स, तुम गलत जगह पे आ गए हो। पर मैं क्षत्रिय नहीं हूँ महर्षि, मैं तो एक सूत पुत्र हूँ। आचार्य मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए, मैं ऋषि परशुराम का सर्वोत्तम शिष्य कहलाऊंगा। मैं उन्हें ही धनुर्विद्या प्रदान करता हूँ जो मेरी परीक्षा में खरे उतरते हैं। तुम्हारी परीक्षा से ही निश्चय करूंगा कि तुम धनुर्विद्या के पात्र हो या नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। ऋषि परशुराम ने कर्ण को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की। परशुराम को जिन जिन अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त थी वो सारी उन्होंने कर्ण को प्रदान की। उसके पश्चात ऋषि परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। एक समय परशुराम कर्ण की गोद में निद्रा पराधन कर रहे थे, उस समय वहां एक कीट ने प्रवेश किया। कर्ण के जंगा को काटना शुरू किया। घाव इतना गहरा होता गया कि जंगा से रक्त निकलना शुरू हो गया। कर्ण को उस कीट के काटने से दर्द हो रहा था, गुरु की निद्रा कहीं भंग न हो जाए, इस वजह से कर्ण उस दर्द को सहता गया। समय पश्चात गुरु परशुराम की निद्रा खुल गई। उठने पर उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम्हें ये क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है गुरुदेव, परंतु मैं आपकी निद्रा भंग नहीं करना चाहता था। ये कैसे हो सकता है? एक सूत पुत्र में क्षत्रिय जैसी क्षमता कैसे आ सकती है? शिक्षा पाने के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला है कर्ण। अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी सच्चाई बता दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं एक सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। तुमने अपने गुरु से झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें शराब देता हूँ कि जो ब्रह्मास्त्र मैंने तुम्हें प्रदान किया है, जब उसकी आवश्यकता होगी तुम उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। उस श्राप के पश्चात कर्ण वापस अपने घर लौटा। घर वालों ने कर्ण का बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया। क्या हुआ पुत्र कर्ण? मैं किसका पुत्र हूँ पिताश्री? अगर मैं सूत पुत्र हूँ तो ये धनुर्विद्या सीखने की तमन्ना कहाँ से जागी? मुझे क्षमा करो पुत्र, तुम हमारे लिए भगवान के दिए वरदान हो। पिताश्री सच बताइए कि मेरे पिता कौन हैं? वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं है पुत्र, तुम तो हमें नदी में बहते हुए मिले, तभी से तुम्हारे शरीर पे ये कवच और कुंडल थे। हमें छोड़कर मत जाना पुत्र, तुम्हारे माता पिता तो नहीं, पर हमने भी तुम्हें माता पिता के समान प्रेम किया है। आपका ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा पिताश्री,
आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ। मेरे माता पिता जो भी हो, वास्तव में तो आप ही मेरे माता पिता हो। समय बीतता चला गया। हस्तिनापुर के राजकुमार बड़े हो गए। आज का दिन वो है जहाँ द्रोणाचार्य के शिष्य अपने गुरु से प्राप्त की हुई शिक्षा का प्रदर्शन दिखाने वाले थे, और ये देखने के लिए हस्तिनापुर की सारी प्रजा आतुर थी। सारी रंगभूमि में हर्षोल्लास था। सारी प्रजा ये देखना चाहती थी कि इस रंगभूमि में असली योद्धा कौन कहलाएगा। सारे राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिया। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था। अर्जुन जैसे गंधर्वधारी का सामना कोई नहीं कर सकता। सही कहा मित्र, अर्जुन से बेहतर कोई नहीं इस संसार में। पर सबसे अधिक मन मोहने वाला प्रदर्शन गांडीवधारी अर्जुन का था, जिसने वहां बैठे सारे लोगों का मन मोह लिया। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अर्जुन ने अपने लक्ष्य को भेदा। अर्जुन के इस अस्त्र प्रदर्शन को देखकर सारे लोगों में हर्षोल्लास था। वर्ण अस्त्र से अर्जुन ने सारी रंगभूमि में वर्षा करा दी, जिससे लोग बहुत प्रसन्न हुए। पर दुर्योधन अर्जुन के इस प्रदर्शन को देख आग बबूला हो गया। दुशासन, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन का सामना कर सके। हम कैसे अर्जुन को इस रंगभूमि में हरा सकते हैं? इस प्रदर्शन को देख एक ऐसा योद्धा सामने आया जो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी था। अर्जुन के वर्षा प्रदर्शन को विराम लगाकर उस योद्धा ने ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। इसे देख दुर्योधन के चेहरे पर खुशी छा गई। बधाई हो वीर मित्र, तुम जो चाहो वो मांगो। आज तुम्हारा यह मित्र बहुत प्रसन्न है। नहीं मित्र, मुझे तो सिर्फ अर्जुन को रणभूमि में परास्त करना था। अर्जुन की माता कुंती ने जब उस महावीर को देखा, उसी क्षण उसे आभास हुआ कि वो कोई और नहीं उसी का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है, जिसे उसने नदी में छोड़ दिया था। अर्जुन हस्तिनापुर का युवराज है। साधारण व्यक्ति के सामने प्रदर्शन करना नियम के विरुद्ध है। तुम कौन से कुल से हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इस प्रश्न के पश्चात कर्ण का मस्तक झुक गया। अच्छा, तो अर्जुन ज्येष्ठ कुल लोगों के साथ प्रदर्शन करेगा तो ऐसा ही सही। मैं इसी क्षण समस्त प्रजा के सम्मुख कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। आज तुमने मुझे खरीद लिया, ये ऋण मैं कैसे चुकाऊं मित्र दुर्योधन?